तो हेलो जैन दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज ये वीडियो आई है आप लोग के लिए और बहुत ही शानदार वीडियो आई है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कोई भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे LP हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी एग्जाम्स की, खासकर आज का जो ये वीडियो रहने वाला है LP और टेक्नीशियन को फोकस करके बनाया गया, ठीक है। और एक बात बता दूं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं, है ना, जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं LP और टेक्नीशियन के, वो वीडियो पे बने रहेंगे। बाकी जो सीरियस नहीं लिए हैं LP टेक्नीशियन एग्जाम से पहले सीरियस नहीं, तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए बहुत आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही शानदार रहने वाला। और आज के वीडियो में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बताना आपके आँख खुलने वाला, क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शन के जस्ट बाद अभी LP टेक्नीशियन में हलचल देखने को मिल रहा है कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है, कभी भी लिया जा सकता है। जैसे कि आपका प्रस्तावित डेट है जुलाई के बाद ही, ठीक है, तो उस समय तक तो आपको देखा जाए तो समय है नहीं हमारे पास। तो करना क्या है, देखो एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, चाहे वैकेंसी नंबर ऑफ सीट कितनी कम हो चाहे ज्यादा, फॉर्म जिन्होंने भरा उनका चांस है कि भाई किसी तरह से हमको इसमें सिलेक्शन लेना है। तो बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, ठीक है। अब बहुत सारा ऐसा है, देखो अब बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया, ये वीडियो किसके लिए है मैं बता रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को भर रखा है, अब पढ़ाई करने जैसे ही बैठे तो रिदम टूट जा रहा है बार बार। यार 10 दिन तो रेगुलर पढ़ रहे हैं लेकिन 10 दिन के बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं यार चलो ग्रुप में ऐसे रहता या डेली टारगेट टाइप से मिलता, है ना, ऐसा होता है ना, देखिए 4 लोगों के बीच में अकेले घर में बैठ के पढ़ो, 10 दिन पढ़ोगे बोर हो जाओ। लेकिन जब आपको टारगेट मिलता है, 10 लोगों की भीड़ में पढ़ते हो या 100 लोगों की भीड़ में पढ़ते हो, टारगेट मिलता तो आप उस टारगेट को डेली अचीव करने के पीछे लगे हुए रहते हो, आपका जुनून जज्बा बना रहता है और आपको लगता है ना कि हर वो जितना बंदा मेरे सामने पढ़ रहा उस समय आगे निकलूं, ठीक है। तो ये चीज सबको तो हो नहीं पाएगा, बहुत सभी जगह दूर दूर के हैं, भारत में इतने राज्य, सभी अलग अलग स्टेट के, सभी एक जगह तो हो नहीं पाएंगे। तो उसी चीज को, कमी को दूरी करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है। अब मैं बता दूं कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जैसा कि आपको पता है मैं LP टेक्नीशियन को लेकर जितना जेन्युइन वीडियो होता है वही जेन्युइन वीडियो मैं बनाता हूं, इससे फालतू वीडियो मुझे बनाना पसंद भी नहीं है। और कुछ पर्सनल रीजन से भी ऑफलाइन कोचिंग में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में हमारे LP टेक्नीशियन बहुत सारे बहुत कैंडिडेट थे जो कि न्यू थे, फ्रेशर थे, उनके पीछे उनके सिलेबस क्या है तैयारी कर, उनके पीछे भी मैं ज्यादा बिजी रहता था, 5-6 घंटा यहाँ टाइम दे रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा और उसी दौरान मुझे एक बार फोन आया, जब ऑफलाइन जब ले रहे तो पता चला कि ऑफलाइन ले रहे, बहुत सारे दूर दूर के लोगों का फोन आया कि सर मुझे आपका ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना है, ऑफलाइन कोचिंग जुड़ना है, कैसे जुड़ूँ, क्योंकि उनको पता है यार हम लोगों ने साइंस का कंटेंट दिया है, यूट्यूब पे देखो साइंस का कंटेंट पता है, हम लोग इससे पहले भी GK GS का एनालिसिस कर, अभी कुछ दिन से आपका ग्रुप डिस्कशन ऑफलाइन का मैंने लाइव कर, वो जाकर के देखो कितना तगड़ा, 1 घंटा 40 क्वेश्चन का GK GS का है लेकिन उसमें 200 क्वेश्चन मैंने निकाल के रख दिया, पूरा क्लास में रटवा दिया। तो उन लोग जो देख रहे हैं ना, जितने भी लोग 200-300 लोग ही देख रहे हैं, उन लोगों को विश्वास है कि भाई मैं यहाँ से अगर जुड़ूंगा तो मेरा रिजल्ट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस, यह लगेगा कि हाँ उनके बीच। तो बहुत सारे लोगों को फोन आया कि सर मुझे जुड़ना है। एक है जो गोमो से आए मेरे लिए मिलने के लिए, ठीक है, फिर एक थे आपका संथालडी साइड से, बहुत जगह लोग से आए, तो वो लोगों ने फोन किया। और एक तो गोमो से मिलते आ गए मेरे पास, बोले कि हमको पढ़ना है क्लास के लिए, रूम दिलवा दीजिए। तो मैंने बोला कि देखो आप यहाँ पर रूम लोगों का खर्चा वगैरह ज़्यादा रहेगा, तो आप तो बोले सर इसका कुछ सोल्यूशन कीजिएगा ऑफलाइन से जुड़े, तो उसी का सोल्यूशन मैं लाया हूँ, ठीक है। और बहुत दूर दूर से फोन आते ऑफलाइन में, हमारे यहाँ ऑफलाइन में बता दूँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना जो जॉब कर रहे हैं, जिनका पिछले बार LP में सिलेक्शन थोड़े सा से रह गया, वो यहाँ पर आकर एक क्लास करें। एक शुभम है, वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी विभाग में है, ठीक है, उनका 2-3 जगह रिजल्ट है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ ताकि मेरा इस बार टेक्नीशियन किसी तरह हो जाए, और मैंने आपका कंटेंट देखा बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा रहे, ठीक है। तो ऑफलाइन में जो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे धनबाद के नज़दीक में, तो हमारा ये एड्रेस बता दें, धनबाद में पुटकी में है, ठीक है, वहाँ पे है, आप लोग जुड़ सकते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा CM क्लास से धनबाद के नाम से, ठीक है। चलो अब काम की बात करते हैं, करना क्या, कैसे जुड़ना। सबसे पहले एक चीज देखो, टारगेट LP टेक्नीशियन हम लोगों ने लेकर करेगा, 40 दिन का टारगेट हम लोग बनाया, और आपको हम अगर आप हमसे जुड़ तो ऐसा इंगेज कर देंगे ना कि आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पीछे प्रेशर रहेगा कि मुझे करना है डेली। और ये जो 40 दिन आप कर लोगे ना, आप देखना कहां से कहां पहुंचोगे, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं कि मैथ का पूरे बस सिलेबस को स्टार्ट खत्म करें, GK GS नए ढंग से पढ़े। अब एक ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी लाओ ना बहुत खतरनाक, ताकि आप 40 दिन में बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो आप लोग, अगर क्या बोलते हैं डेडिकेशन के साथ रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है ना, प्रॉपर गाइडेंस मैं बताऊंगा आपको। तो देखो LP के लिए, LP अभी CBT 1 का टारगेट करना, तो LP में CBT 1 CBT 2 होता है। सबसे पहले आप CBT 1 का बात करते हैं, CBT 2 देखा जाएगा, है ना। तो CBT 1 का ही ऐसा तैयारी करेंगे, CBT 2 भी आपको क्लियर होने वाला है। फिर टेक्नीशियन Grade 3 में CBT 1 है, एक ही एग्जाम, इस बार 100 क्वेश्चन 90 मिनट। तो ये दोनों कॉम्बो लगभग सेम है, तो ये अगर एक बार तैयारी करेंगे तो ये दोनों के लिए काम होगा। देखो
एलपी मैथ 20 नंबर के आते हैं, रीजनिंग 25 नंबर के आते हैं, साइंस 20 नंबर के आएंगे, जीके जीए जनरल अवेयरनेस जीके मिला करके 10 नंबर, टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट होंगे। ठीक है, पहले समझा दे रहा हूं, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, जनरल साइंस, जनरल साइंस का बहुत ही बड़ा वेटेज है 40 नंबर का जनरल साइंस, और जीए जीके है आपका 10 क्वेश्चन है आपका, लगभग 100 क्वेश्चन एक एग्जाम है, एक एग्जाम आप सिलेक्शन ले सकते हो ये। ठीक है, इसमें आईटीआई वाले, तो आईटीआई वाले भाई ध्यान देना इस एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा सीट थी। अब हमारा टारगेट क्या है, इसको कैसे अचीव करें भाई, इतना कम दिन में है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते, तो बहुत सारे लोग पता है ऑनलाइन कोर्स वर्स तो ले लिए हैं, 200 300 का 400 500 हज़ार हज़ार कोर्स ले लिए, अब बोल रहे भाई 10 दिन पढ़ा उसको, इतना लंबा कोर्स है तो एग्जाम में निकल जाएगा, तो भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कम समय में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ पढ़, वही चीज़ मैं लाया हूँ। और ये बता दो पूरे यूट्यूब पे ये चीज़ आपको कंटेंट नहीं देगा, और हमारा साइंस और जीए जीके का एनालिसिस का इतना कंटेंट तगड़ा रहता है ना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। ठीक है, जा करके आप खुद वीडियो हमारी देख लो जो डिस्कशन करवा, तब उसके बाद आप लोग बोलना। ठीक है, तो चलो टारगेट हमारा क्या, हमको किसको अचीव करना, हमने इसका टारगेट रखा कल से स्टार्ट करेंगे 20 मई से लेकर 1 जुलाई तक, 1 जुलाई लगभग 40 डेज हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे होगा, लगभग 40 डेज है ना, 20 मई से इधर मई का 10 दिन बचा, और जुलाई एक पूरा 30 दिन मानते हैं ना, मई पूरा जून मान लेते हैं, लगभग 40 दिन का चैलेंज है कि जुलाई के फर्स्ट भी एग्जाम होने के स्टार्ट, एग्जाम का डेट पे टेंशन मत लो, एग्जाम समझो कि जुलाई के फर्स्ट में हो जाने वाला है, इस तरह समझ के आपको चलना है। तो 40 दिन में क्या करें कि बहुत कुछ आपका हो जाए। देखो लगभग जितने भी स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा मैथ भी जानकारी होगा, थोड़ा थोड़ा साइंस भी कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हो, कोर्स लिए हो, किसी से पढ़, कोई सब इंसान क्या होता है चला रहा है, कहीं ना कहीं अपना प्रिपेयर कर रहा है, ऑफलाइन कहीं पढ़ा, अब उसको एक होता है ना, देखो ऑफलाइन पढ़ एक ऐसा रिदम फोर्स लगने वाला, ताकि एनर्जेटिक के साथ पढ़ो। तो हम लोगों ने क्या क्या है, डेली 40 डे का चैलेंज, मंडे से लेकर के फ्राइडे 5 दिन का स्लॉट बनाया, 7 दिन होते हैं वीक में, तो मंडे से फ्राइडे 5 दिन आपको हम क्या देंगे डेली पर डे, है ना, मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, टारगेट में कैसा क्वेश्चन रहेगा, सारा मिक्स क्वेश्चन, ये सब कैसा क्वेश्चन रहेगा, मिक्स क्वेश्चन, मैथ 25 मिक्स क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे पहले बता दे रहा हूँ, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, साइंस जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, और जीके जीएस में 40 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, वो भी मिक्स रहेगा, जिसमें हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर रहेगा, और प्लस उसका पीडीएफ दिया जाएगा, ये सभी मिक्स क्वेश्चन आपको डेली देंगे टारगेट वाइज करके दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा कि सुबह मान लो 8 बजे 9 बजे मैंने इसको सुबह पीडीएफ को कहां दे दिया आपको, ऐप पर दे दिया। अब आपको क्या करना, मैथ के 25 क्वेश्चन खुद से बनाना, कैसे बनाओगे, टाइमर मैंने लगाना, मैथ के 25 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन को आप बनाना स्टार्ट करोगे, कैसे बनाओगे, आपने कहीं से सीखा, किसका कोर्स कर रहे हो, देखो कहां बन रहा, जितना 25 से मान लो नए फ्रेशर हो तो 10 को बनेगा, 15 को नहीं बनेगा, जैसे भी रीजनिंग का भी जैसे बनेगा, तो देखो कि आप कितना बना पा रहे, कितना नहीं बन पा रहा, नहीं बनने के बाद फिर उसका क्या बात, उसी दिन आपको उसको इसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये सब चीजें कहां पे होगी, ऐप पे होगी, कहां पे होगी आपकी, ऐप पे, क्योंकि ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत चीजें आपको सही ढंग से दिया जा सकता है, आप वहां से प्रॉपर ढंग से डाउनलोड कर सकते, भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने इस ऐप को लॉन्च किया। तो आपका ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे शिवम क्लासेस धनबाद के नाम से आपने सर्च मारना, उसको इंस्टॉल करना, ऐप पे चीजें बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना। तो ये चीज होगी, अब देखो मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा, साइंस का होगा, पीडीएफ आपको क्वेश्चन पहले दे दिया जाएगा बनाना, उसके बाद कुछ टाइम उसी दिन आपको पीडीएफ का सॉल्यूशन दिया जाएगा, हैंड रिटेन सॉल्यूशन, उसमें भी हैंड रिटेन सॉल्यूशन, इतना तगड़ा सॉल्यूशन देगा ना, कोई उठू का आपको सॉल्यूशन नहीं देना, चाहे मैथ की हो चाहे रीजनिंग, सबसे शॉर्टेस्ट भी और उसका अल्टरनेट जो मेथड भी होगा ना, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसका 25 क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, 5 दिन आपने ये किया 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन इसका लगा दिए, रीजनिंग 125 क्वेश्चन लगा दिए, जनरल साइंस 125 क्वेश्चन लगा दिए, जीके जीएस 40 क्वेश्चन एक लगा रहे, तो 200 क्वेश्चन लगा रहे। अब पांचवा दिन, अब सैटरडे को क्या करेंगे, 5 दिन तो ये हो गया, अब सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, किसका टेस्ट लेंगे भाई, 5 दिन आपने जितना पढ़ा है, मैथ में 125 क्वेश्चन बनाया होगा, रीजनिंग में 125 क्वेश्चन बनाया होगा, 150 क्वेश्चन जनरल साइंस बनाया होगा, चार 200 क्वेश्चन आपने क्या इसमें ना, तो यही सब में से सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो होने वाला है उसका हम लोग सैटरडे को टेस्ट लेंगे, कितना 100 मार्क्स का 90 मिनट ये ऐप पे होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, आपको पता है कि भैया सैटरडे को टेस्ट होने वाला है, तो आप 5 दिन जितना पढ़े उन्हें ढंग से रिवाइज करोगे, ऐसे मान लीजिए बोल दिया टेस्ट, तो आपका क्या पढ़ोगे, कौन बुक करोगे, कौन क्वेश्चन पता नहीं ना, लेकिन इसमें आपको चीजें पता है कि यही 5 दिन का क्वेश्चन से ही आने वाला है, तो ये 5 दिन को आप तगड़े ढंग से पढ़ोगे, क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ोगे, तो आपको पता चल रहा है इससे क्या, और आपको इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है रिविजन करने के लिए, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन आप टेस्ट के कारण मजबूरी में इसको रिविजन करोगे, अगर हम इसको अच्छे से रिविजन नहीं करेंगे तो मेरा मार्क्स कम आएगा, ऐप में हम पीछे हो जाएंगे, बाकी से पीछे हो जाएंगे, तो आप पीछे ना होने का डर आपके मन में होगा, तो आप क्या जोर पढ़ोगे, ठीक है, तेजी के साथ पढ़ोगे और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पढ़ोगे, तो 100 मार्क्स का होगा,
ऐप पे ये हो जाएगा आपका 9 बजे, टेस्ट हो जाएगा उस दिन पूरा चलेगा, ठीक है। फिर इसका शाम में क्या देंगे हम लोग, एनालिसिस दे देंगे, क्या दे देंगे, संडे को इसका एनालिसिस दे देंगे, देख लेना क्या है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए। और संडे को एनालिसिस देंगे, उसके बाद संडे को क्या, संडे को हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करवाएंगे, एनालिसिस तो देंगे 5 दिन का इसका, फिर सेल्फ रिविजन खुद से। अब आपको संडे को बैठना है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, खेल कूद कर लो, जो भी अपना माइंड शांत, फिर उसको रिलैक्स मूड में देखना है कि भाई इतना टेस्ट दिए, टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं बना, एनालिसिस भी पता है वीक, ये चैप्टर मेरा वीक है ये। तो अब आप सेल्फ क्या करो, 5 संडे को क्या करना, आपको खुद से कि जिस टीचर का आप कोर्स लियो, जहां से आप मैथ पढ़े हो, इन सब में जिस टॉपिक में दिक्कत आया था उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर बहुत सारे लोगों का एक जैसा कलेक्शन रहे, मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे इसमें दिक्कत है मैथ में, टॉपिक आप लोग कमेंट में भी बताना, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों का डाउट भी रहेगा, जैसे मान लो पहले दिन मैथ का बनाया 25 को मैथ नहीं समझ में, डाउट तुरंत क्विक सॉल्यूशन को चाहिए भाई कैसे होगा, तो उसके लिए ऐप में एक ग्रुप चैट का ऑप्शन है फॉर डाउट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन हो आप वो क्वेश्चन डालो, हमारी टीम जो है, हम लोगों ने जो 4-5 लोग है ना, वो लोग आपको तुरंत सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन, सबसे शानदार सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन ना तुम आप यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग देख पाएंगे आपको, वो दिया जाएगा, ठीक है, संडे को। ये सारा चीजें हैं, लेकिन भाई ये चीज देख रहा है ना, इसके पीछे हम लोग को बहुत मेहनत लगेगा, बहुत कॉस्टिंग भी बैठेगा। अब ये बताओ, अब ये चीज आप करोगे 25 मैथ क्वेश्चन, अब ये सब क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, इतना क्वेश्चन है 5 दिन का, कहाँ रहेगा, एनटी आपका एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई का, सबको मिला के नीचे पता चलेगा ना 40 दिन में आप क्या कर लिए, एनटीपीसी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एलपी का क्वेश्चन सॉल्व, सब उसी से आपको क्वेश्चन को उठा के दिया जाएगा। अगर वो सब क्वेश्चन की बात की जाए तो इस सब के पीछे आपको करने में पता कितना बुक खर्चा हो जाएगा, ये बुक देख रहे हो, इससे भी ज्यादा, और मेरे पास बुक रखा हुआ, इससे भी ज्यादा आपको बुक खर्चे हो जाएंगे। तो इन्हीं सब बुक्स का निचोड़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्शन करके अच्छे ढंग से, और अपना कंटेंट सॉल्यूशन खुद हमारा रहेगा, तो ये सब आपका इतना बुक में आपको लगभग से लगभग 1500 से 1000 रुपया खर्चा होने वाला है, जो कि आपको मैं 1 पैसा नहीं लगने दूंगा इस बुक्स के पीछे, क्योंकि सभी बुक्स का मैं जो होगा बेहतर ढंग से पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड, बस आपको इसके लिए क्या करना है, 99 रुपया हम लोगों ने रखा है, जेन्युइन कोर्स, ठीक है यार। देखो कोई भी लोग मेहनत जब कर रहा है, आपको ये पूरा पेड क्लास जैसा देंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे मेरे पास, ठीक है, या मेरे कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या चाहे बहुत दूर लोग हैं तो उनको लगे कि मेरे कोचिंग से जुड़ के रहे, कैसे जुड़ के रहे, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन बनाया 99 रुपया मात्र आपको, क्योंकि आपको उसमें डेली हम लोग पीडीएफ जो हम लोग रखे हैं ना, जो पीडीएफ बनाएगा भाई तो उसको भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो 99 रुपया बहुत ज़्यादा ही नहीं है, जेन्युइन जो होंगे उनको लगेगा वो कोर्स खरीदेंगे, नहीं खरीदे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, ठीक है। अगर 100 बंदे भी मेरे इस कोर्स से फायदा हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी अंदर से, ठीक है। ऐसे भी याद रखना, बहुत सारा 1000 वैसे बहुत कम ही होते हैं जो जेन्युइन ढंग से पढ़ते हैं, और जो ढंग से पढ़ते हैं उस चीज़ की वैल्यू जान रहे, उसको 99 रुपये खर्च करने की टेंशन नहीं ले, लोग यहाँ 300-400 का सेट ले रहा, बहुत सारे लोग महंगा महंगा 500 इसका साइंस का ले लिया, 500 में इसका मैथ का ले लिया, ई टीचर वा का ये फलाना का कोर्स ले लिया, पता चला 1 महीना पढ़ा कोई फायदे नहीं हुआ। तो ये चीज़ हमको टारगेट आपको दे रहे ना, आपको लगेगा भाई को पीछे नहीं होना, तो 99 रुपये आप ही बताना जस्टिफाई एकदम फीस, इसके बारे में कुछ ना बोले, ये तो हम लेकर के ही रहेंगे आपसे, और लेंगे ना तो कंटेंट भी देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर है, बच्चों से मैंने पैसे लिए हैं, बेहतर चीज के लिए बोला तो मैं वो चीज आपको प्रोवाइड करूंगा 40 दिन, देखना आप लगभग 30 दिन करके देखो, उसके बाद मजा आने वाला है। और एक चीज बता दूं, जीके जीएस का क्या होगा, 40 क्वेश्चन जो देंगे इसका हम लोग एनालिसिस, डेली वीडियो जो हमारा आता है जीके जीएस का स्टैटिक वाला वो हो जाएगा, और स्टैटिक 30 दिन में इसका गारंटी लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप डिस्कशन लाइव करवाते हैं वो देख लो, 30 दिन में ऐसा होगा ना कि कोई टीचर आपको उतना नहीं पढ़ाया होगा, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी आप 6-6 महीना जो पढ़ते हो ना, वो 1 महीना में नहीं कंप्लीट, हम याद करवा दिए ना, आर्टिकल्स हो चाहे नेशनल पार्क हो चाहे बांध हो डैम हो मंदिर हो, सब 30 दिन में याद करवा देंगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि गारंटी इसलिए देता हूँ, इससे पहले मैंने किया है, और ये चीज़ कोई YouTube पे आज तक नहीं किया है, आपको पता है हम लोग का करंट अफेयर को पूरा बुक स्पीड को ट्रिक से याद करते हैं, YouTube पे हिस्ट्री में ऐसा कहीं हमारे जैसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, आप इसलिए हमारा वीडियो देखो, हम बोल नहीं रहे, जाकर के देखो, उसके बाद तुम लोग इस वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगा इसीलिए मैंने देर से सोचा भाई देर होगा लेकिन तगड़े आएंगे दुरुस्त आएंगे, ठीक है। जिनको जेन्युइन लगेगा ये ज्वाइन होंगे, नहीं होंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, आप लोग इसको जुड़ो देख लो, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या है नहीं है, और बाकी जो जो अपडेट होगा ये मंडे से आपका स्टार्ट होगा। अब काम की बात, शिवम क्लासेस धनबाद ऐप को डाउनलोड कर लो, मैं इसमें दे दूंगा, उस पर एक आज आने वाला है, आज क्रिएट सारा हो जाने वाला है, लिंक आपको आज क्रिएट करके कुछ ही देर में मिल जाएगा, ठीक है। एक कमेंट बॉक्स में होगा या पोस्ट में भी कर देंगे, उसमें जुड़ जाओ, सारा कल से पीडीएफ डालना स्टार्ट आपका हो जाएगा, टारगेट डे 1 डे 2 डे 3 करके मैथ रीजनिंग का इसका, समझ में आया, मंडे से शेड्यूल एकदम चलने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप लोग शिवम क्लासेस धनबाद है
वो, और एक नंबर भी जल्दी हम लोग जारी करें जिसमें कोई भी डाउट हो उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सीरियस कैंडिडेट सीरियस हो जाओ, बाकी जिनको सीरियस नहीं होना है आप इस वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। चलो धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं।